अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनका हमें फ़ोन आया कि आज हम आपसे मिलने आएंगे, तो हमने कहा आप हमारे साथ अफ्तारी भी करें। तो जब फ़ोन आया तो उसके बाद मेरे पास 4 से 5 घंटे थे। उन 4 से 5 घंटों के अंदर मुझे मेन्यू भी बनाना था और साथ ही मुझे सेटिंग देखनी थी कि मुझे कहाँ पर खाना अरेंज करना है एंड ऑल दैट। यहाँ पर मैंने चिकन दाबू की रेसिपी के साथ, जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूँगी, उसी रेसिपी के साथ मैंने विंग्स बनाए थे। वहाँ पर चिकन दाबू पे मैं कलर ऐड करती हूँ, यहाँ पर मैंने कलर ऐड नहीं किया था। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं ये चिकन विंग्स, बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विंग्स को मसाला लगाकर रख दिया था, क्योंकि जो चीज़ इस तरह एयर फ्राई होनी होती है, अगर उसको पहले से आपने मसाला लगाकर नहीं रखा हुआ है तो वो मैरिनेशन अच्छी नहीं होती है, जिसके वजह से वो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छा, जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उन्होंने हमें स्पेशल बोला था कि हम पूरा रमज़ान ये चीज़ें, समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, ये चीज़ें खा खा के हम थक चुके हैं, तो हमने बिल्कुल सादा खाना खाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बता दें कि आपको क्या खाना है, तो मैं उस तरीके से अरेंज भी कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि हम सिंपल राइस एंड कोरमा खाना चाहते हैं, ये उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, अब राइस में मैंने फिर बिरयानी कर ली और साथ में मैंने कोरमा बना लिया था। अब जाहिर है कि लेकिन मेरे घर में जब मेहमान आ रहे हैं तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली कोरमा और बिरयानी बनाकर रख दूँगी। तो मैंने साथ थोड़ी थोड़ी और चीज़ें भी अरेंज करना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने साथ ही बिल्कुल बिरयानी का मसाला रख दिया था, साथ कोरमा रख दिया था एंड राइस, जैसे ही मुझे मेहमानों का फ़ोन आया था साथ ही मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि उनको भी टाइम लग जाना था। इसी तरह मैंने साथ साथ मैं चावल बॉयल कर रही हूँ और साथ ही मेरा कोरमा बन रहा है। यहाँ पर कोरमे की सिंपल सी रेसिपी थी मेरी, जिसमें मैंने प्याज हल्के से फ्राई करके साथ में मैंने चिकन ऐड किया था। चिकन थोड़ा सा जब फ्राई हो गया, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट एंड साथ में 2 से 3 टमाटर आपने ग्राइंड करके डाल देने हैं। इसको और दानेदार बनाने के लिए आप अगर दही में फ्राइड प्याज मिक्स करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो उससे भी बहुत दानेदार जो है वो कोरमा बनता है। मैंने पहले प्याज ऐड कर लिए थे इसलिए मैंने दोबारा ऐड नहीं किया। तो यहाँ साथ ही कोरमा बन रहा था, साथ ही मेरे चावल जो हैं वो बॉयल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बिरयानी का जो पूरी लेयरिंग है वो करके रख देती हूँ। दम मैंने अभी नहीं लगाया था, इसको मैं फिर एंड पे दम पे लगाऊंगी जब सारी चीज़ें मैं टेबल पे रखना शुरू कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो एंड पे मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगा दूंगी। साथ ही मैंने कोरमे में पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि जबकि कोरमा पूरा रेडी होगा तो ये थोड़ा सूख भी जाएगा। तो जैसे ही मेहमान आएंगे उस टाइम पे फिर मैं इसका धनिया मसाला ऐड करके इसको प्रेजेंट करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी थी। मैं फ्रूट चाट बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती हूँ, तो हमारे घर फ्रूट चाट बनती है लेकिन बहुत थोड़ी बनती है। तो जब हमारे गेस्ट आ रहे थे बस उनके लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट रेडी करना शुरू कर दी थी। अच्छा, रमज़ान में तो फ्रूट चाट हर घर में ही बनती है, फ्रूट चाट ना हो तो लगता है कि इफ्तारी मुकम्मल ही नहीं है। अच्छा, फ्रूट चाट बहुत किस्म की होती है, जिसमें आप लोग दही भी डाल सकते हैं, क्रीम भी और चटनी भी। मैं बहुत आजकल जो है व्लॉग्स देखती हूँ लोगों के, जिसमें उन्होंने तरह तरह की फ्रूट चाट वो लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल और मुझे मेरे घर वालों को बिल्कुल जो सिंपल फ्रूट चाट है वो पसंद है। तो और वो खाने में अच्छी भी लगती है और वो अच्छी तो खैर सारी ही लगती हैं, लेकिन यह है कि ये खाने में हेल्दी होती है। तो कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें खाएँ और हेल्दी हेल्दी रहें। यहाँ पर मैंने साथ ही जो है ना, बस टाइम जो था वो ऑलमोस्ट 1 आवर रह गया था, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं जो फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर मैंने आज सारी चीज़ें जो थी वो मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी, तो मैंने अपने दोनों एयर फ्रायर निकाल लिए थे और उन दोनों में मैंने चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैंने विंग्स जो हैं सबसे पहले मैंने उनको रखा, क्योंकि मुझे पता था कि इनको 20-25 मिनट्स लग जाएंगे।
तो मैंने सबसे पहले विंग्स को रखा, साथ ही मैंने जो है हॉट पॉट रेडी कर दिया कि जैसे ही विंग्स जो हैं बने तो साथ ही मैं उनको हॉट पॉट में रखती जाऊं। तो यहाँ पर आप जब भी चीज़ों को हॉट पॉट में रखें तो कोशिश करें कि नीचे जो एल्युमिनियम फॉयल है उसको लाजिम डाल लें, उससे आपका हॉट पॉट ख़राब नहीं होता और जब आप दोबारा चीज़ को धोने लगते हैं तो वो आसानी से धुल जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपने जब डायरेक्ट हॉट पॉट में डाल दिया तो चीज़ें नीचे चिपकती नहीं है। इस तरह जो विंग्स थे वो हॉट पॉट के अंदर नीचे चिपकते नहीं हैं। तो विंग्स यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने थे। इस रेसिपी के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि एयर फ्रायर के साथ पता नहीं कैसे विंग्स बनेंगे, तो ट्रस्ट मी, जो विंग्स एयर फ्रायर के अंदर बनते हैं ना, वो मुझे लगता है कि फ्राई किए हुए भी इतने टेस्टी नहीं होते हैं। इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे, मज़ेदार और हेल्दी, सबसे बड़ी बात कि वो हेल्दी होते हैं। तो यहाँ मैंने दो शिफ्ट्स में सारे अपने जो विंग्स थे वो रेडी कर लिए थे। अब आता है मेरे ब्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है टेबल सेटिंग। मैं बहुत अरसे से सोचती थी कि जब भी मेरे घर कोई मेहमान आएंगे और अगर मेरे घर में उस दिन वेदर जो है बाहर का अच्छा हुआ, तो मैं ज़रूर उनका डिनर या लंच या जिस टाइम पे भी हुआ है तो मैं बालकनी पर उसका अरेंजमेंट करूँगी। तो जी, वो दिन आ गया कि मौसम बहुत ही अच्छा था, धूप थी और इतनी गर्मी भी नहीं थी और इतनी ठंड भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मेहमान इतने ज़्यादा नहीं हैं, कपल है, तो क्यों ना मैं उन लोगों के लिए जो अरेंजमेंट है बुफे का वो मैं बालकनी पर करूं। तो यहाँ मैंने टेबल के ऊपर सिंपल टेबल क्लॉथ डाला है एंड देन शाइनी टेबल रनर है एंड ये कुछ मैंने लीफी अरेंजमेंट थी वो रखी है, साथ में कुछ कैंडल्स हैं। साथ ही मैं यहाँ पर राइजर सेट कर रही थी ताकि मैं खाना बनने से पहले थोड़ा सा टेबल के अरेंजमेंट देख लूँ कि यहाँ टेबल फिर सेट करने के बाद कैसा लग रहा था। यहाँ पर मैंने छोटी टेबल सेपरेट रखी थी बर्तनों के लिए, यानी कि प्लेट्स के लिए, और साथ में यहाँ पर ये स्पून्स वगैरह के लिए, और मैंने इसके साथ नैपकिन्स भी रख दिए थे। तो हमेशा जो आपकी प्लेट्स और स्पून्स होते हैं और नैपकिन्स और जो आपके पानी का जग होता है या जो भी को आपने ड्रिंक्स बनाई होती हैं, कोशिश करें कि उनको सेपरेट टेबल पे रखें, क्योंकि अगर आप उनको उसी खाने के टेबल के ऊपर रख देंगे ना तो वो बिल्कुल एक मेस बन जाएगा ना, ये पता चलेगा कि ये डिश कौन सी है, ये बर्तन कौन से हैं, बहुत ही एक मेस सा हो जाएगा। कि कोशिश करें कि एक सेपरेट एक टेबल अरेंज कर लें इस तरह प्लेट्स और चमचों के लिए। यहाँ पर जहाँ पर हम बैठ के खाना खाना था, मैंने उस पर भी एक टेबल क्लॉथ बिछा दिया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट लग रहा था। यहाँ पर मैं साथ ही साथ अब खानों को देखने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मिंट मार्गरेटा की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने फ्रेश मिंट मंगवाया था। ताकि मिंट मार्गरीटा का जो टेस्ट है वो बहुत फ्रेश और अच्छा आ सके और पीने वाले को भी मज़ा आए कि ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि टाइम तो होने ही वाला है, तो मैं सारा खाना जो है उसको डिश आउट करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कोरमा है उसको डिश आउट किया। अच्छा, यहाँ पर मेरी बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं मिंट मार्गरीटा के लिए ग्लासेस रेडी कर रही थी, ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉस के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है मिंट मार्गरीटा के ग्लास इन स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉस के साथ। तो यहाँ पर बिरयानी के ऊपर मैं गार्निशिंग कर रही थी और साथ में मैं कुछ ये काजू ऐड कर रही थी। इसके साथ जो बिरयानी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है जब स्पून के साथ आपके मुँह में काजू आता है। तो यहाँ देखें जी, मेरी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने टेबल पे खाना रखना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल टाइम के साथ रेडी हो गई थी। अब बस मुझे टेबल की सेटिंग करनी थी। सबसे पहले राइजर्स के ऊपर जो था मैंने खाना रखा था पीछे की तरफ, क्योंकि अगर आप ये राइजर्स आगे की तरफ रखेंगे तो जो आपकी चीज़ें पीछे पड़ी हैं वो नज़र नहीं आएंगी। तो जब भी आप राइजर्स लें तो आप उनको पीछे रखें, और अगर आपने आगे भी रखने हैं और पीछे भी रखने हैं फिर तो ठीक है। तो इस तरह चीज़ें लेते हुए और उनको अरेंज करते हुए लाजिम सोचें कि वो चीज़ आपके टेबल पर किस तरह लगेगी, और कोई आपकी चीज़ छुपेगी भी नहीं और हर चीज़ खूबसूरती से नज़र भी आएगी। यहाँ मेरे विंग्स और पकौड़े भी रेडी हो गई थी, तो मैं उनको डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे मेहमान आ चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा टेबल बहुत अच्छे तरीके से अफ्तारी से पहले ही रेडी हो गया था। तो ये है मेरे टेबल की फुल लुक।
तो यहाँ पर ना मैं गेस्ट के लिए पानी मिंट मार्गरीटा जो था वो ग्लासेस में सारा डाल रही थी कि जिसको जैसे भी जो चीज़ चाहिए होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने पसंद भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल हो गई थी, खाना भी और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। मेरे लिए ख़ुद भी ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था बालकनी के ऊपर जो है सारी अरेंजमेंट करना, और मैं इतनी खुश थी कि मैंने कुछ सोचा था और मैं कितने अरसे से इसको प्लान कर रही थी कि मैं मुझे ये करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो हो गया, रमज़ान के पाक मुबारक महीने में हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझसे जो मेरी एक विश थी वो पूरी हो गई कि मुझे जिस तरीके से मैंने सोचा हुआ था हर चीज़ उस तरीके से हो गई। पता है हर चीज़ में आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जो है ना आपको जाना ही पड़ता है। जब वो थोड़ा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं ना तो वो चीज़ और जो भी काम आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं यकीन माने आपको उसमें कामयाबी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपको उससे जो खुशी मिलती है ना उसका कोई जवाब नहीं होता। और आप जब ये सब करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं या अच्छी ऐसी अरेंजमेंट्स करते हैं, तो और जब आपको अगर कोई ये कहे कि वाओ, तो मुझे लगता है वो पूरा हो जाता है, उसके पैसे पूरे हो जाते हैं, मैं इस तरह आपको कहना चाहूँगी आसान लफ्ज़ों में। ये आज थी हमारे घर पे अफ्तारी और मैंने सोचा कि अफ्तारी तो रोज़ सब अपने घर पे करते ही हैं, तो क्यों ना आज अफ्तारी को थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए। अब उसको डिफरेंट बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटा सा बुफे सेटअप करती हूँ, और वो बुफे सेटअप जो है वो मैं बाहर बालकनी पर करती हूँ। तो जिन्होंने आना था उन्होंने भी कहा कि बहुत मुख्तसर सा आपने हिसाब रखना है, तो हमने मुख्तसर सा ही रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रमज़ान का महीना तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रमज़ान का महीना गुजरा, ठंडा ठंडा सा ये रमज़ान था, है ना, ऐसा ही है ना। रमज़ान की ताक रातें चल रही हैं, तो आप लोग अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को, अपने सब जानने वालों को, सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में उन ताक रातों में ज़रूर 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 याद रखिएगा, और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी देर में बाहर बैठूं, बाकी सब अंदर चले गए हैं। तो आप लोगों ने भी अगर अपने घर पे ईद का अगर कोई डिनर रखना है या कोई लंच रखना है, तो आप आपकी तरफ वेदर जो है वो मॉडरेट है जिसमें आप बाहर बैठ सकते हैं, तो आप ज़रूर बालकनी पे बुफे लगाएं, और जितनी भी आइटम्स आप रखना चाहें आप रख सकते हैं अपनी बालकनी की स्पेस के अकॉर्डिंगली, और उसको खूबसूरत सजाएं, टेबल को खूबसूरती से सजाएं, अपनी डिशेस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। यकीन मानिए वो डिनर और लंच जो है ना वो यादगार बन जाता है जब आपने उसमें एफर्ट भी पुट की होती है और थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचा होता है कि अगर हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं उनको हम और किस तरह अच्छे तरीके से हम खाना खिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे चैनल पे वेलकम है। इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे ईद के एंड नेक्स्ट आगे भी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी सी वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आप सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।